हेलो एंड वेलकम टू SDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 2012 में आई हुई है छोटी सी डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये छोटी सी डेफिनेशन 3 नंबर में आई हुई है यहाँ पे 2012 में। आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किन तथ्यों पर निर्भर करती है? ये छोटा सा क्वेश्चन था। तो आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन के बारे में बेसिकली हमें बात करनी है अभी। आवर्धन क्षमता क्या होती है ये देखिए, आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी दोनों का ही कार्य दर्शन कोण बढ़ाना है, चाहे दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो, इनका काम होता है आवर्धन क्षमता दर्शन कोण बढ़ाना। अतः इन यंत्रों की क्षमता इनके द्वारा दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता से नापी जाती है। दर्शन कोण जितना भी कोई प्रकाशिक यंत्र है वो जितना दर्शन कोण बढ़ाएगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनकी जो क्षमता नापी जाती है, इन यंत्रों की क्षमता इनके द्वारा दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता से नापी जाती है। जो जितना ज्यादा दर्शन कोण बढ़ाएगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसे यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब, यंत्र से बने प्रतिबिंब, जिस भी हम प्रकाशिक यंत्र का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम प्रकाशिक यंत्र का यूज कर रहे हैं, कोई प्रकाशिक यंत्र है मान लेते हैं उसका हम यूज कर रहे हैं प्रकाशिक यंत्र, तो होता क्या है देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की, कोई भी प्रकाशिक यंत्र है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, यंत्र के द्वारा, यंत्र से जो प्रतिबिंब बनता है, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, यानी कि आंख पर जो दर्शन कोण बनता है यंत्र के प्रतिबिंब के थ्रू आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो, तथा केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात, यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने अनुपात, सॉरी यंत्र यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनता है वो, और केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण, इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं हम। आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू होता है, ये देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बीटा, ये आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा अपॉन तथा यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण, ये अल्फा। तो ये होती है आवर्धन क्षमता। किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बीटा तथा यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा।
तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, एग्जाम में आती है कई बार, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ये इस डेफिनेशन को हमने कवर कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर किसी भी प्रकाशिक यंत्र की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।